नमस्कार दोस्तों, दधिमति संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जो आरटीई से संबंधित है, ये राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। और मैं आपसे एक इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप अपने आसपास में किसी भी ऐसे गरीब बच्चे को देखते हो जो शिक्षा प्राप्त कर सकता है या अभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो आप अपने नज़दीकी विद्यालय में उसका एडमिशन करवा सकते हैं। और किसी भी जो प्राइवेट संस्था है, निजी विद्यालय, उसमें भी आप उसका एडमिशन करवा सकते हैं, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी को शिक्षा से वंचित होने से उसको बचा सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी खबर क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या इसे पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले इसी तरीके के रोज़गार से संबंधित और शिक्षा से संबंधित आपको वीडियो प्राप्त होते रहें। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आईटी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए 15 तक कर सकेंगे आवेदन, लॉटरी होगी 19 को, और 15 जो मार्च है वहाँ 19 मार्च को ये लॉटरी वापस कर ली जाएगी। बांसवाड़ा सी न्यूज है, प्रदेश के निजी स्कूलों में आरटीई कानून के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने टाइम फ्रेम और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अभिभावक 15 मार्च तक आवेदन भर सकते हैं, जबकि प्रवेश वरीयता की लॉटरी 19 मार्च को निकाली जाएगी। स्कूलों में रिपोर्टिंग के लिए 30 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। प्रदेश के 35,000 निजी स्कूलों में एंट्री लेवल यानी कि जो प्रथम कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, उसके लिए 25% सीटों पर आरटीई एक्ट के तहत निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, वो अपने बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिला सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आने वाले और भी इस लोग इसे लाभान्वित हो सकें और ये न्यूज़ जो है सबके पास पहुंच सकें।